अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुलवामा में हुए शहीदों के लिए यूं तो अनेक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अनेकों तरह से कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। कहीं पर कैंडल मार्च तो कहीं पर हवन यज्ञ द्वारा उन वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का दौर अभी भी जारी है। वहीं झज्जर की आदर्श एजुकेशन सोसाइटी द्वारा भी पुलवामा में हुए शहीदों के लिए श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा में कैंडल मार्च का नहीं था, बल्कि उन शहीदों को याद करते हुए आदर्श एजुकेशन सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन कराया। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर खड़ा ने बताया कि आज हमने उन शहीदों को याद किया है तथा उनकी शहादत में हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। उनका कहना है कि यह रक्त उन शहीदों को अर्पित करते हैं जो हमारी सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। आज पुलवामा शहीदों की याद में बल डॉक्टर कैंप का आयोजन किया गया और हमारी सोसाइटी आदर्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मदर साइट्स के अंदर हर साल बल डॉक्टर कैंप का आयोजन करती है और शहीदों की याद भी हम लोग बलिदान का यह मौका दे सकते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी नौजवान साथी है उसे बल डॉक्टर। वहीं संस्था के एक सदस्य ने बताया कि आज हमने वीर बलिदान शहीदों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और शहीदों को नमन करते हैं। जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया इसका क्या मुख्य उद्देश्य? देखो जी, ये इसका प्रमुख उद्देश्य यही रहेगा कि जो पुलगांव के अंदर जो आतंकी हमला हुआ उसके अंदर हमारे बहुत से वीर शहीदों ने जो अपना बलिदान दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता और उन्हीं की याद में पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से भी काफ़ी रोष है और उस रोष को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आज जो ब्लड डोनेशन कैंप का हमने आयोजन किया है ये विशेष तौर पर उन शहीदों के लिए जो उनका बलिदान था उसके अंदर हमने एक आहुति स्वरूप यह आज आयोजन किया है और जहाँ तक ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी तरफ से एक ही उद्देश्य रखते हैं कि जितना भी हमारा एक साथियों का जो समूह है वो ब्लड डोनेशन के लिए हमेशा तत्पर है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी पूरी टीम ब्लड डोनेशन के लिए अग्रणी रहेगी। वहीं आज मदर प्राइड स्कूल के शिक्षकों ने भी इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर श्रद्धांजलि देने वालों में अपना नाम अंकित कराया है। रक्तदाताओं ने बातचीत करते हुए बताया कि आज उन्होंने शहीदों को याद करते हुए रक्तदान किया है। हमें जो हमारे देश के शहीद हुए हैं हमें उनके लिए बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने देश के लिए जान दी। हम यहाँ पर सेफ हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर जान देते हैं। हमें शहीद एक हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई हैं या हम खुद भी आर्मी में जाना चाहते हैं ताकि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकें। हम पैसे से तो उनकी मदद नहीं कर सकते इसलिए हमने ब्लड डोनेशन किया है ताकि आने वाले समय में अगर किसी को उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसका यूज़ वहाँ पे हो सके। थैंक यू। झज्जर से संजना छाबड़ा के साथ संजय धरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।